ऐतिहासिक चंबा चौगान के सौंदर्यकरण और आवश्यक रखरखाव कार्यों का मंगलवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोक निर्माण विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि बहुत जल्द चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलेगा। इसका कार्य आरंभ कर दिया गया है। चौगान में सिंचाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उद्यान विभाग द्वारा चौगान की पुरानी घास को पुनर्जीवित करने के लिए नर्सरी भी तैयार की जा रही है। चौगान को समतल करने के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। वर्तमान में कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक घास को उखाड़ने का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि चौगान के सौंदर्यकरण और आवश्यक रखरखाव कार्यों को स्थानीय प्रशासन के साथ कृषि एवं उद्यान विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, बागवानों और स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग की देखरेख में किया जा रहा है। पूरे कार्य के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग को प्राकलन कर तैयार करने को कहा गया है। इस दौरान सहायक आयुक्त उपायुक्त मनीष चौधरी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग जीत सिंह ठाकुर, उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजीव चंद्रा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल सहित कई अन्य मौजूद रहे। जी सर, चौगान हमारा जो है यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है। इस वर्ष हम जो हमारे यहाँ के चंबा के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उनसे भी हमने विचार विमर्श किया था और उसके बाद अभी जो मेन फोकस है हमारा यहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा वीड्स हैं चौगान में उसको उखाड़ रहे हैं और उसके लिए हमने लोकल जो लेबर है वो लगा रखी है। साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग का और एनसी चंबा का भी सहयोग है। ततवानी से यहाँ पानी आता था जिससे यहाँ की इरिगेशन होती थी चौगान की, तो उसको भी ठीक करवाया जा रहा है। पूरे चौगान का पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से एक्शन, पीडब्ल्यूडी चंबा के माध्यम से कंटूरिंग करवाई गई है और इसमें लेवलिंग का भी इशू है और कई जगह ऐसे पैच क्रिएट हो गए हैं जहाँ पर जो लोकल ग्रास है उसको रेप्लिकेट करने की आवश्यकता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जाने वाले समय में यहाँ एक छोटी सी नर्सरी तैयार करेगा ताकि जो लोकल ग्रास का जो जर्म प्लाज्म है उसको हम रेप्लिकेट करके जो पैचेज हैं उसको ठीक करें। इसमें समय लगेगा और मुझे लगता है 2-3 साल ये प्रक्रिया चल सकती है। एक्सिन साहब को ये भी हमने रिक्वेस्ट किया कि एक डिटेल्ड इसमें हम एस्टिमेट बनाएँ क्योंकि पैसे भी काफ़ी खर्च हो गए ताकि सारा जो काम है उसको एक ब्लैंड वे में कर सकें और चौगान को हम प्रिजर्व कर सकें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।